हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप डूइंग ए स्टडी इज वेरी वेल इन होम। तो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज किसकी है बेटा? सेंटेंस का, जो मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में कराया था, द सेंटेंस। सेंटेंस कराया था ना कि सेंटेंस होते क्या हैं और उसकी जो काइंड थे वो कराए थे। तो उसमें से मैंने आपकी एक्सरसाइज ली है, कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जिसे आपको एक बार फिर रिवीजन हो जाए इस वीडियो के द्वारा और आपको अच्छे से आ सके। अब देखो, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। हमें पहले जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं बेटा, हमें इनको रीड करना है और रीड करके फिर हमें ये मतलब ये पता होना चाहिए कि ये कौन से पार्ट का काइंड का सेंटेंस है। तो पहले एक बार हम सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकले, किसी शब्दों का ऐसा समूह जिसे मतलब कोई सेंटेंस का कोई मीन्स निकले, कोई अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। बिना सेंटेंस के बेटा ना तो हमारी कोई लाइन पूरी होगी और ना ही हम जो भी पैराग्राफ या आंसर लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, बिना सेंटेंसों के हमारे वो कभी पूरे नहीं होंगे। तो जो सेंटेंस है वो हमारे ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करें अपने आज का जो हमारा टॉपिक है। कितने काइंड्स होते हैं? मैंने आपको बताए थे कितने काइंड्स होते हैं बेटा सेंटेंसेस के, बताओ? फोर काइंड होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव। असर्टिव में भी हमारे बेटा दो थे, डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव, ठीक है। सेकेंड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसकी वीडियो मैंने आपको मैं स्टार्टिंग में ही करा चुकी हूँ। अब मैं आपको इसकी कुछ मैंने सेंटेंस लिए हैं एक्सरसाइज के कुछ बुक्स में से, तो मैं वो आपको करा रही हूँ। तो स्टार्ट करें। देखो, फर्स्ट है द मैंगोज आर स्वीट इन टेस्ट। जो मैंगो हैं, जो आम हैं बेटा, टेस्ट में कैसे हैं? मीठे हैं। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस है? पॉजिटिव आ रहा है। कौन से है बेटा? मैंने बताया था जिसमें किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दी जाती है, इसमें बेटा मैंगो के बारे में स्टेटमेंट दी है कि जो मैंगो है वो कैसे हैं? मीठे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस है बेटा, बताओ? बताओ तो आपको बताओ बताओ। असर्टिव सेंटेंस। कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, कितनी अच्छी मतलब पेंटिंग है। और क्या आ रहा है बेटा? व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। लास्ट में हमारा यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। मैंने बताया था आपको जब सेंटेंस के काइंड करा रही थी, अगर हमारा देखो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है बट लास्ट में हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा बताओ? जब लास्ट में हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है तो कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन से बेटा? एक्सक्लेमेटरी। अपनी बुक दे दो। देखो बेटा, प्लीज आ रहा है। मैंने आपको बताया था कोई रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस देता है, ऑर्डर देता है, तो वो हमारे कौन से सेंटेंस होती है?
बताओ इसमें बेटा प्लीज आ रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज गिव मी योर बुक, मुझे अपनी बुक दे दो। तो वो कौन से होते हैं हमारे बताओ, इम्पेरेटिव। कौन से बच्चों? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। वो हमारे कौन से सेंटेंस होंगे बेटा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इसमें क्या हो रहा है बेटा बताओ? अपनी हेल्थ की टेक मतलब देखभाल करो, क्या हो रहा है? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ हम किसको कह रहे हैं? किसी ना किसी को तो हम एडवाइस दे रहे हैं ना बेटा। तो मैंने आपको बताया था अभी, देखो अभी ऊपर वाला भी हमारा यही था, इसमें रिक्वेस्ट कर रहे थे और नीचे वाला कौन सा है? एडवाइस दे रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। कौन सा है बेटा? इम्पेरेटिव। शाबाश, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे साथ साथ बेटा जो मैं समझा रही हूँ, और आपके सेंटेंस जो मैंने वीडियो भेजी थी वो भी आपको मतलब रिवाइज हो रही है। ठीक है, अब आते हैं हमारा फिफ्थ, हु टीचेस यू इंग्लिश, और लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? लास्ट में हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क। बताया था मैंने, अगर देखो हु टीचेस यू इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंग्लिश भी है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको सेंटेंस का जब भी पार्ट कराया था मैंने आपको बताया था कि हम जब किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तो हम कौन से सेंटेंस होते हैं वो बेटा? इंटेरोगेटिव। शाबाश, कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब है आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से कि भाई कोई दुखी होता है, फिर हम उनसे पूछते हैं कि आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। बट देखो बेटा स्टार्टिंग में हमारा डब्ल्यू एस फैमिली नहीं आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो आर यू हैप्पी मैंने जब इंटरोगेटिव सेंटेंस कराया था तो उसमें भी बताया था जो हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ सकता है, ये नहीं डब्ल्यू एच फैमिली आए बट हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ सकता है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा बच्चों? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि बेटा देखो इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ ही रहा है आर यू हैप्पी, और वो यस और नो में भी आंसर देगा कि हैप्पी है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट ए स्वीट फ्लावर, व्हाट ए स्वीट फ्लावर। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डंडा बिंदी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ऊपर भी मैं करा चुकी हूँ एक, कौन सा है बच्चों बताओ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ठीक है, अब लास्ट वन चलते हैं हम,
सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत क्या है बेटा, सुंदर है। किसी के बारे में हम कह रहे हैं कि वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मैंने आपको जब वीडियो बताई थी उसमें काइंड बताया था कि अगर हम किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो वो हमारे कौन से सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होंगे बेटा, असर्टिव सेंटेंस। बस असर्टिव सेंटेंस। तो बेटा देखो, आपके सेंटेंस की एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट हो गई है और आपको जो एक्सरसाइज जो मैंने सेंटेंस की वीडियो बनाई थी तो वो एक बार आपको रिवाइज भी हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। एक बार फिर कह दूँ बेटा, ऑनलाइन क्लासों को सीरियस होकर वॉच कीजिए। अगर सीरियस होकर वॉच, अगर एक भी वीडियो आपसे स्किप हो गई, आपने वीडियो वॉच नहीं की, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा हमें कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।